विपक्ष द्वारा संसद न चलने देने के विरोध में हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में भी बीजेपी के विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दिन का उपवास रखा। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट सहित कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत और लालकुआ विधायक नवनीत दुमका ने उपवास कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस देश में लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ जा रही है। मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सभी सांसदगण, विधायकगण, प्रतिनिधिगण, पूरे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण हर लोकसभा क्षेत्र में लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम के लिए उपवास पर बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से आज देश के अंदर संसद को नहीं चलने दिया जा रहा, विकास कार्यों में बाधा बनाई जा रही है, हम कांग्रेस का निश्चित रूप से कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि इस 2019 में कांग्रेस को भी देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। देश की जनता उनसे पूछने वाली है कि आखिर हमने आपको लोकसभा सांसद बनाकर जब संसद में भेजा, आपने हमारी किस समस्या के लिए चर्चा की, किन समस्याओं के सवालों को आपने संसद के अंदर उठाया, और जिस प्रकार से लोकतंत्र का उपहास राजघाट पर कांग्रेस के लोकसभा सांसदों ने और उनके कार्यकर्ताओं ने उड़ाया। वहीं इस कार्यक्रम में क्षेत्र के कई वरिष्ठ नेता भी उपवास कार्यक्रम में शामिल दिखाई दिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।